इस वक्त हम मौजूद हैं, ये एपिसोड नंबर 2 स्ट्रीट नंबर 15 से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमने सॉरी स्ट्रीट नंबर 14 से स्टार्ट होगा, स्ट्रीट नंबर 1 से लेकर स्ट्रीट नंबर 13 तक हमने विजिट कर लिया। एपिसोड नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। ये थोड़े से हटके हैं विलास, जो जिना को टच नहीं कर रहे, क्योंकि जिना से हम स्टेडियम एवेन्यू को असेस लेते हैं, स्टेडियम एवेन्यू से हम आ जाते हैं ये रोड नंबर 10 की तरफ, और यहाँ से हम एंट्रेंस करते हैं स्पोर्ट सिटी विला की तरफ, एपिसोड नंबर 2 की तरफ। ये स्ट्रीट नंबर 14 के विलाज हैं, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 22 तक। ये भी तकरीबन वेस्ट ओपन विलाज बनते हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पे भी फैमिलीज आई हैं। ये मेरे लेफ्ट साइड पे जो है ना, वो स्ट्रीट नंबर 14 का पार्क बना हुआ है। यहाँ पे पार्क भी बैरियर ने तकरीबन, ये जॉगिंग ट्रैक भी बिछा दी है, अभी ग्रीनरी रह गई है, इसको बैरिया ग्रीन कर देगा, काम बैरिया कर भी रहा है यहाँ पे। अब विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 14 तक ये वो विलाज हैं जो कि स्टेडियम को प्रॉपर फेस कर रहे हैं, इसी तरह आईफल टावर को प्रॉपर फेस कर रहे हैं, क्योंकि हम अगर रोड 1 की बात करते हैं तो रोड 1 में प्रॉपर फेसिंग नहीं है, एक साइड से आपको व्यू मिलता है, इसमें आपको प्रॉपर व्यू मिलता है, सामने आप अपने ग्राउंड फ्लोर से भी ये व्यू देख सकते हैं। इसी तरह अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं, आपका जो ऊपर का मास्टर बेडरूम है उससे भी व्यू देख सकते हैं, बाहर का टेरेस है, टेरेस से भी आप ये व्यू देख सकते हैं। ये भी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, ये सामने हमें बिल्कुल स्टेडियम मिल रहा है, ये स्टेडियम, और स्टेडियम के बिल्कुल बैक साइड पे हाइट लोकेशन जो है वो आपको मिलेगा आईफिल टावर। ये पौधे के पीछे थोड़ा सा छुप गया है, ये देखिएगा, ये सामने आईफिल टावर है। तो ये मैंने आपको इसका व्यू दिखा दिया। अब सबसे ज्यादा अगर प्राइसेस देखते हैं ना विलास की स्पोर्ट सिटी में, ये वाले पोर्शन में, तो वो स्ट्रीट नंबर 14 की हैं। वजह ये है कि सामने का जो व्यू है प्रॉपर वेस्ट ओपन है, आपको सामने ग्रीन बेल्ट मिल रहा है, ये पार्क मिल रहा है, उसके बाद स्टेडियम और दूसरी एक्टिविटी नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, कमर्शियल का कोई लिंक नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो विला की प्राइस चल रही हैं वो तकरीबन 3 करोड़ तक की चल रही हैं। ये वो विलाज हैं जो 3 करोड़ प्लस के भी कस्टमर डिमांड करते हैं, क्योंकि 10% उन्होंने पार्क के भी यहाँ पे किए हुए हैं, और जो लाइफ टाइम व्यू है आपको वो सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई कमर्शियल तो बना ही नहीं, सामने ग्रीन बेल्ट है। स्ट्रीट नंबर 14 से हम निकलते हैं, और ये सामने रोड नंबर 12 है, और इसके बाद जो है वो मेरे लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 24 है। 24 को हम विजिट करेंगे बाद में, हम पहले टर्न लेते हैं लेफ्ट साइड पे। मेरे लेफ्ट साइड पे स्ट्रीट नंबर 15 आ गई। स्ट्रीट नंबर 15, जब भी मैंने एपिसोड नंबर 2 बनाया है, तो एपिसोड नंबर 2 में स्ट्रीट नंबर 15 में सबसे ज़्यादा फैमिली शिफ्ट हुई थी, आज भी वहाँ पे फैमिली सबसे ज़्यादा शिफ्ट हैं। विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 33 तक मेरे लेफ्ट साइड पे विलाज हैं, फिर इसी तरह 34 से 60 तक जो विलाज हैं मेरे राइट साइड पर हैं। और यहाँ पर विला की जो प्राइस चाह रही है मिनिमम 2 करोड़ 65 से 2 करोड़ 70 लाख की ब्रैकेट में है। वजह यही, जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं वहाँ पे आपको विला की प्राइस 2.65 2.70, इवन कोई अगर 2.60 में आ भी जाता है, वो चांस डील होती है कि कस्टमर को पेमेंट चाहिए वन शॉट, या कस्टमर चाह रहा है कि उसे बहुत अर्जेंट ज़रूरत है, तो वो एक दिन में भी पेमेंट लेके वो विला हैंड ओवर कर देता है। तो इसका ज़्यादा जो फ़ायदा उठाते हैं वो इन्वेस्टर ज़्यादा उठाते हैं, यहाँ पे जो बैठे होते हैं वो अपना अमाउंट जो है वो इसमें इन्वेस्ट करके वो प्रॉफिट जनरेट करते हैं। बाकी मार्केट अगर आप देखते हैं कि मार्केट में जी हाइप क्रिएट है, प्राइस सिर्फ डीलर्स ने या इन्वेस्टर्स ने अप की हुई है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड यूज़र है, एंड यूज़र ही यहाँ पे आके रह रहा है, वो एंड यूज़र ने जो प्रॉपर्टी बाय की थी कभी भी वो लॉस में अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचता। हाँ, कोई उसे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, 2-4 लाख 5 लाख रुपये का वो लॉस उठा लेता है, इससे ज़्यादा का लॉस नहीं होगा। अगर आप देखेंगे कि ये शायद अभी ये 2 करोड़ 60-70 पे चली गई ये प्रॉपर्टी, तो दोबारा फिर से ये 2 करोड़ पे आ जाएगी या 1 करोड़ 40 पे आ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला।
प्राइसेस मेच्योर हो चुकी हैं और इस प्राइस में भी अगर आपको मिल रहा है तो मेरा ख्याल है आपको बाय करना चाहिए। और आप यही देखिएगा, एक साल बाद आपको प्राइसेस इसमें भी तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए ज़्यादा मिलेंगी, कम नहीं मिलेंगी। क्योंकि एक साल पहले भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तब भी प्राइसेस जो थी वो 1 करोड़ 35-30 लाख रुपए वो प्राइस थी, जो बिल्कुल लीस्ट प्राइस थी। और तब भी कस्टमर्स जिनको लेके दिया है विला, वो भी वीडियो देख रहे होंगे और उन्हें पता होगा कि आज की प्राइस और तब की प्राइस एक साल पहले की जब उन्होंने बाय किया था। बहुत से कस्टमर्स हैं जिन्हें 1 करोड़ 35, 1 करोड़ 40 में या 1 करोड़ 60 तक जिन्हें प्रॉपर्टी लेके दी थी, आज उनकी प्राइस जो है वो 2.5 करोड़ प्लस की है और वो प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे हैं कि प्रॉफिट उन्हें जनरेट हो रहा है। भला उन्होंने रिहाइश के लिए लिया है या भाई रिहाइश नहीं भी कर रहे तो उन्हें पता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू जो उनकी है वो तकरीबन 70 से 80% इंक्रीज हो चुकी है। स्ट्रीट नंबर 15 है, 15 लिंक करती है स्ट्रीट नंबर 26 को। इसके अलावा और भी स्ट्रीट्स हैं जिनको लिंक कर रही है स्ट्रीट नंबर 15। स्ट्रीट नंबर 15 से हम जो है स्ट्रीट 26 पे एंटर हुए, 26 से हमने इंटरेस्ट किया स्ट्रीट नंबर 17 की तरफ। स्ट्रीट नंबर 17 में पहले भी एक फैमिली रह रही थी और अभी जो है वो तीन फैमिलीज रह रही हैं, चार फैमिलीज रह रही हैं। लेफ्ट साइड वाली जो फैमिली है ये काफ़ी पुरानी आई हुई है, तकरीबन 4 से 6 माह हो गए हैं यहाँ पे फैमिली आई को। यहाँ पे भी एक डस्टबिन पड़ी है, तो तकरीबन 6-7 फैमिलीज हैं स्ट्रीट नंबर 17 पे। सामने जो आपको व्यू मिल रहा है वो प्रीसेंट 33 का है। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ से प्रीसेंट 33 का आपको बोर्ड भी दिखाऊं और इसके अलावा जो है वो प्रीसेंट 33 में जो घर बन रहा है और दूसरी साइड पे जो कमर्शियल एक्टिविटी है, ये प्रीसेंट 33 का बोर्ड है। ये घर जो है प्रीसेंट 33 में बन रहा है और इसके बाद जो है जो शॉपिंग गैलरी है वो प्रीसेंट 33 की ये शॉपिंग गैलरी है जो आप इस्तेमाल करेंगे, ये प्रीसेंट 33 की शॉपिंग गैलरी है। अब यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हमें जो मैंने आपको बताया, स्ट्रीट नंबर 17 हो गया, स्ट्रीट 15 से लेकर स्ट्रीट नंबर 29 तक आपको तकरीबन प्राइस सेम ही मिलेगी, 5-7 लाख का प्राइस में डिफरेंस जरूर मिलेगा। जो स्ट्रीट नंबर 17 है यहाँ से हम एग्जिट करेंगे स्ट्रीट नंबर 26 की तरफ। मल्टीनेट यहाँ पे भी है और जिस तरह दूसरा बताया था मैंने आपको कि मल्टीनेट यहाँ पे आ चुका है। लेफ्ट साइड 26 स्ट्रीट है, सामने विला नंबर 6-5। 17 से आगे विला स्ट्रीट नंबर 19 है, स्ट्रीट नंबर 19 में भी जो है फैमिली अभी कोई शिफ्ट नहीं हुई, ये फाइनल स्टेज पे है काम। विला नंबर 12, 13, 14, 15 इससे आगे चलते हैं हम, तो ये विलाज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। राइट साइड पे जो है वो विला का काम हो रहा है, लास्ट आए थे तो काफ़ी हद तक काम रहता था, अभी जो है वो फाइनल स्टेज पे है, फाइनल पेंट भी हो गया है, वो दूसरे जो बैरिया के इक्विपमेंट हैं वो लगने थे वो भी तकरीबन लग चुके हैं। विला नंबर स्ट्रीट नंबर 19 से एग्जिट होंगे स्ट्रीट नंबर 26 की तरफ, ये 6 नंबर विला 26 का, 7, 8, 9 यहाँ पे भी एक फैमिली 26 में आ चुकी है। 21 नंबर स्ट्रीट पे इंटरेस्ट करते हैं, 21 नंबर स्ट्रीट पे एक फैमिली जो है वो एक नहीं दो, एक पहले तो थी, अभी ये नई फैमिली जो है ये विला नंबर 9 पे आ चुकी है और इसी तरह पहले विला नंबर 19 पे फैमिली रह रही थी, लास्ट वीडियो में भी हम आए थे तो यहाँ पे फैमिली रह रही थी।
ज्यादा जो फैमिली शिफ्ट हुई है ना, वो एपिसोड नंबर 1 जैसे मैंने बनाया, वहां पे रोड 3 हो गया, स्ट्रीट 3 हो गया, इसके बाद स्ट्रीट 9, स्ट्रीट 8, स्ट्रीट 6, रोड नंबर 1, रोड नंबर 2 या स्ट्रीट नंबर 12 है, तो इनमें काफी ज्यादा जो है वो फैमिली शिफ्ट हुई है। यहाँ पे भी शिफ्ट हुई है, पर इतनी जो है ना, अभी तक ये जो मैंने 4-5 स्ट्रीट का विजिट किया, तो मुझे कोई 2-4 या 6 फैमिलीज नजर आई हैं यहाँ पे शिफ्ट हुई हैं। ओके, फर्दर आगे विजिट करते हैं, देख लेते हैं कितनी फैमिलीज आई हुई हैं यहाँ पे। प्राइस भी मैंने लास्ट बताया कि प्राइसेस तकरीबन सेम सेम है, 2 करोड़ 60-65 लाख रुपए में ही आपको विला मिलेगा, विद की ग्रे स्ट्रक्चर या विदाउट की लेंगे तो शायद 2 करोड़ 55-2 करोड़ 50 लाख तक भी मिल जाए। ये स्ट्रीट नंबर 22 में, लेफ्ट साइड पे। अब स्ट्रीट नंबर 22 पे भी फैमिलीज जो है वो शिफ्ट हुई हैं, दो फैमिलीज हैं जो स्ट्रीट नंबर 22 पे रह रही हैं इस वक्त, दो ही फैमिलीज हैं। ठीक है, ये स्ट्रीट नंबर, पहले भी फैमिलीज तो थी यहाँ पे, विला नंबर 18 पे ये कॉर्नर जो विला, तो ये फैमिली मेरा ख्याल है सिर्फ वीकेंड पे ही आती है, या यहाँ पे रह नहीं रही फैमिली। ये इस तरह का आपको जो माहौल है, ये आपको सिटी में बहुत कम दिखने को मिलेगा। सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, बारिश आ गई तो, बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है, जब कम बारिश आता है कम पानी आता है, तो ये वाला सीन बैरिया में नहीं होगा। यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है वो ड्रेनेज सिस्टम जो है बैरिया का, बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम है। लास्ट भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, जो डैम्स बैरियर ने बनाए हैं उस पानी को भी बैरियर यूटिलाइज करता है, उसे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर रहा है, या इसी तरह पानी जो है वो पौधों को यहाँ पे जो लगाते हैं उसमें भी इस्तेमाल कर रहा है। ये स्ट्रीट नंबर 27 है, यहाँ पे भी बिल्कुल कंप्लीट है मिलास। स्ट्रीट नंबर 27 में विला की भी प्राइस वही सेम तकरीबन आपको मिलेगी। अब ये विला नंबर 1, 2, 3 मेरे लेफ्ट साइड पे जो जा रहे हैं, ये भी सिंगल बेड विला है, जिस तरह मैंने लास्ट स्ट्रीट नंबर 12 में बताया था कि स्ट्रीट नंबर 12 में भी आपको सिंगल बेड के, आपके विला के पीछे विला नहीं होगा। अब इस विला के पीछे जो है वो गुजर रहा है K4 लेक का पानी, ड्रेनेज सिस्टम गुजर रहा है जिसे नाला बोलते हैं, उसमें सिर्फ बारिशों का पानी होगा, दूसरा पानी नहीं होगा जो आप सेवरेज का कहेंगे, सेवरेज का पानी नहीं आएगा, सिर्फ बारिश का पानी आएगा वहां पे। यहाँ से हमने टर्न लिया तो हम स्ट्रीट नंबर 25 में इंटरेस्ट करते हैं। स्ट्रीट नंबर 25 से मैं लेफ्ट टर्न ले लेता हूँ, यहाँ पे भी जो है वो एक फैमिली रह रही थी स्ट्रीट नंबर 23 पे, तो अभी जो है वो फैमिलीज यहाँ पे कोई दो फैमिलीज आ गई हैं। ये पहले ही फैमिली थी विला नंबर 4 पे, आज भी वहाँ पे फैमिली रह रही है। स्ट्रीट नंबर 23 यहाँ से एग्जिट करेंगे, सामने हमें स्ट्रीट नंबर 24 पे भी फैमिलीज थी एक दो, और अब भी हैं, ये जिस तरह के ये अभी नई फैमिली आई है विला नंबर 19 पे, स्ट्रीट 24 पे, राइट साइड पे स्ट्रीट नंबर 20 है। अब स्ट्रीट नंबर 20 पे भी जो है वो फैमिलीज दिखी हैं, कोई 4 से 5 फैमिलीज हैं जो नई आई हैं। पहले दो फैमिलीज थी, विला 13 पे थी, स्टार्टिंग वाले एक विला पे थी, तो अब जो है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 4 से 5 फैमिलीज हैं जो रिसेंटली शिफ्ट हुई है। ये स्ट्रीट नंबर 25 पे आगे, स्ट्रीट 24 से हमने इंटरेस्ट की थी स्ट्रीट नंबर 20 की, अभी हम फिर लेफ्ट टर्न लेंगे स्ट्रीट नंबर 18 की तरफ। स्ट्रीट नंबर 18 पे लास्ट भी दो की फैमिलीज रह रही थी, अब भी ये कुछ 4 से 5 फैमिलीज हैं वो स्ट्रीट नंबर 18 में रह रही हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि कस्टमर्स जो ओवरसीज हैं, जिन्होंने आज तक बैरिया नहीं देखा, जो बैरिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या रेजिडेंशियल पर्पस के लिए वो यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बाय करने के, वो अपने जो
रिटायर्ड लाइफ है वो पाकिस्तान में आके गुजारेंगे, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, यहाँ का लाइफस्टाइल क्या है। हम तो अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करते हैं कि आपको वो चीज़ दिखाएं जो 100% ट्रू है, जिस चीज़ में बैरियर जो चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है या जिस चीज़ में बैरियर की कमी है उसको भी हाईलाइट किया जाता है कि यहाँ पे बैरियर, जिस तरह कुछ विलास से बैरियर ने काम ही नहीं किया, बहुत से लोगों की ख्वाहिश होगी कि हमने यहाँ पे शिफ्ट होना था स्ट्रीट नंबर 40 से 41, 42, 43, 44, 45 स्ट्रीट्स हैं, उन पे बैरियर ने बहुत ही मामूली सा काम, स्ट्रीट 41 पे नज़र आया काम, बाकी वो विलास उसी तरह है, तकरीबन 1 साल से ऐसे ही रह रहे हैं। और बहुत से लोग वो मजबूर होंगे कि वो रेंट पे रह रहे होंगे अपनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद, उसमें बैरियर ने डिले किया है और वो बैरियन हर रोज़ उन्हें नए से नए वो टाइम दे देते हैं कि इस टाइम फ्रेम में हो जाएगा, तो बैरियर की उसमें सुस्ती है। और इसके अलावा जो बैरियर आपको लाइफस्टाइल दे रहा है उसको भी हम पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, उसको भी एक पॉजिटिव इमेज भी है, नेगेटिव इमेज भी उसको भी हम लेके आते हैं जहाँ पे बैरियर आपको नहीं फैसिलिटेट कर रहा हो। अब नेट का इशू था, सारा कुछ था, वो भी यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं हर चीज़। फैमिलीज मैक्सिमम फैमिलीज आना, तो इसमें लाइफस्टाइल उनका अच्छा है, वहाँ पे हर चीज़ उन्हें बैरियर फैसिलिटेट कर रहा है, तो वो यहाँ पे आके लोग रह रहे हैं। अदरवाइज मेन गेट से ये 18 से 20 किलोमीटर दूर आके रहना, और यहाँ पे अगर आपको ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें मुहैया ना की जाएँ तो कोई भी यहाँ पे आके नहीं रहेगा। अब स्ट्रीट 16 में मुझे लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई थी उससे और आज की वीडियो में तकरीबन कोई 5 फैमिलीज जो हैं ना वो नई शिफ्ट हुई हुई हैं यहाँ पे स्ट्रीट नंबर 16 में। अब स्ट्रीट 16 में भी स्ट्रीट में भी फैमिलीज अगर ज़्यादा हैं, कोई 8-10 फैमिलीज रह रही है ना, तो वहाँ पे विला की प्राइस आपको 5 लाख रुपए ऊपर ही मिलेगी। वजह यही होती है कि लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं कोई फैमिली रह रही है तो हम उसको प्रेफर करेंगे, ताकि हम अगर आके रहना स्टार्ट करें यहाँ पे तो हमारे सराउंडिंग में कोई फैमिली रह रही हो। अगर आप यही है, मैं स्ट्रीट नंबर 29 ABCD की तरफ चला जाता हूँ, तो वहाँ पे विद की विला 2 करोड़ 45, 2 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट में या 2 करोड़ 55 लाख की ब्रैकेट में भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको मिनिमम जो विला मिल रहा है वो 2 करोड़ 65, 2 करोड़ 70 लाख की ब्रैकेट में मिल रहा है। वजह यही है कि आपको अगर आपके 1-2-4 विला छोड़ के या आपका जो बिल्कुल नेबर है वो आपके साथ फैमिली में रह फैमिली के साथ रह रहा है या उसकी रिहाइश है, तो वो विला होल्डर जो सेल कर रहे हैं तो वो मार्केट रेट से आपको कोई 5-7-10 लाख रुपए ऊपर ही डिमांड करेगा। इसी तरह अगर हम प्लॉट की तरफ भी जाते हैं ना, तो प्लॉट अगर हम बाय कर रहे होते हैं तो प्लॉट में अगर किसी स्ट्रीट पे एक घर बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली 5 से 10 लाख रुपए इंक्रीज हो जाती है। अभी एक स्ट्रीट हमारी रह गई है, स्ट्रीट नंबर 31, और इसके बाद एक रहता है स्ट्रीट नंबर 29। 29 को डिवाइड किया गया ABCD में, तो वो भी रहती है। अब स्ट्रीट नंबर 31 जो है, यहाँ पे भी एक फैमिली थी, विला नंबर 2 पे, मेरे लेफ्ट साइड पे है ये विला नंबर 2। अब यहाँ पे तकरीबन 3 ऐसी फैमिलीज हैं जो अभी शिफ्ट हुई हैं, नहीं यही तकरीबन 2 माह के अरसे में, सो हाँ 3 फैमिलीज हैं। ये विला नंबर 9 पे फैमिली शिफ्ट हुई है। अब ये भी वो विलाज हैं स्ट्रीट नंबर 31 के जो कैटेगरी में शुमार होंगे, जिसके लेफ्ट जिसके बैक पे कोई विला नहीं है, मेरे लेफ्ट राइट दोनों विला जो हैं इसके बैक पे कोई विला। ये विला नंबर 14 पे फैमिली रह रही है, और इसी तरह ये विला नंबर 17 पे फैमिली रह रही है। अभी जो हमारा रह गया है वो ये मेरे राइट साइड जो है वो सारा ग्रीन बेल्ट होगा, सामने भी जो मैंने अभी बताया था आपको कि यहाँ पे वो बैरियर जो है ना वो सेवरेज का पानी नहीं होगा, सिर्फ दूसरा पानी जो बारिशों का होगा, तो वो ये एरिया मेरे राइट साइड पे। अब जो विलाज रह गए थे, जो स्ट्रीट 29 ABCD और स्ट्रीट नंबर 30 और रोड नंबर 11, ये वो विलाज हैं जो हाइटेड लोकेशन के विलाज हैं, जो आम बैरियर के विलाज से आपको ऊपर वाली लोकेशन में मिलेंगे, तो ये विलाज जो हैं वो मैं अभी विजिट करवाता हूँ। ये रोड नंबर 11 विला नंबर 1 से 27 तक, रोड नंबर 11 पे एक फैमिली आ चुकी है, और इसी तरह हम राइट टर्न लेंगे स्ट्रीट
स्ट्रीट नंबर 29D है मेरे राइट साइड पे, यहाँ पे भी एक फैमिली आ गई है, विला नंबर 4 पे। इसके बाद 29, अब देखें ये वो एरिया जो मैंने आपको बताया था कि ये 29D स्ट्रीट कॉर्नर का विला है, विला नंबर 14, विला नंबर 14 पे फैमिली रह रही है। और यहाँ से आपको जो व्यू मिलता है ना, ये सबसे टॉप की लोकेशन है स्पोर्ट सिटी की, जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ। तो वो इसी लोकेशन को रिकमेंड करता हूँ, वजह ये है कि यहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा ना, वो आपको स्पोर्ट सिटी में कहीं से नहीं मिलेगा। आप स्ट्रीट पे खड़े हैं तो आपको ये सामने स्टेडियम, सामने आईफिल टावर, ठीक है, और दूसरे विलाज आपसे नीचे हैं काफ़ी। ये वाला विला जो है ये 29 स्ट्रीट, 29A, 29B, 29C, 29D, ये 5 स्ट्रीट्स और रोड नंबर 11 के विलास। तो इसको रिकमेंड इस वजह से, यहाँ पे प्राइस अभी इस वक्त जो है ना, वो आपको काफ़ी कम मिलती है। विद की विला आपको मिलेगा 2 करोड़ 45, 2 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट में, जो झरना विला है। कैटेगरी विला लेंगे तो वो 2 करोड़ 60 65 में मिलेगा। पर ये कि अगर आप स्ट्रीट नंबर 15 16 वाली साइड पे जा रहे हैं, वहाँ पे 2 65 60 का ले रहे हैं, तो आपको वो व्यू नहीं मिलेगा। ये एक तो बिल्कुल शॉपिंग एरिया के करीब है, वजह ये है कि शॉपिंग एरिया के करीब होने की वजह से भी इनकी प्राइसेस सबसे ज़्यादा होंगी, अभी नहीं है। अगर हम देखते हैं, ये स्ट्रीट नंबर 28 है मेरे लेफ्ट साइड पे, विला नंबर 1 2 3 ये भी तैयार हो गए हैं। ये वो विलाज हैं जो बैरियन ने तैयार नहीं किए थे, अभी तैयार हो गए हैं। मेरे राइट साइड पे 29C नंबर स्ट्रीट है, विला नंबर 1 से लेकर विला नंबर 14, ये 14 विलाज हैं। इसी तरह पीछे वाले जो विलाज हैं हमने देखे, इसमें थोड़ा सा स्लोप है, इससे आगे जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है बैरियर का, बरसाती नाला जो है जिसमें बारिश का पानी है। और ये जो व्यू है वो कमाल का व्यू है।